जब कोई दो पार्टियां बन जाती हैं, विरोधाभास हो जाता है, तो एक पार्टी देवान में आएगी ना, तो जो देवान में आएगी वो बाहुबली की लड़ाई लड़ेगी या आत्माभिमान की लड़ाई लड़ेगी? और जब बाहुबली की लड़ाई लड़ेगी तो कोई प्रूफ छोड़ेगी क्या? अगर लाश का पता लग जावे तो पकड़ में आ जावे। इसलिए लाश भी गुम कर देते हैं और यज्ञ के आदि में ओम मंडली और एंटी ओम मंडली दो पार्टियां थी या नहीं थी? झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और सख्त झगड़ा हुआ। बाहर वाला क्यों? अंदर वाले ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं कि बाहर वाले दुश्मन बनते हैं? यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से ही प्रज्वलित हुई होगी या बाहर वालों से प्रज्वलित हुई होगी? बाहर वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अंदर वाले ही जब विरोधी बनते हैं तो नुकसान होता है भारी। रावण का भी बड़ा नुकसान अंदर वालों ने किया या बाहर से हुआ? अंदर से नुकसान करने वाले पैदा होते हैं। वानप्रस्थी हो जाएगा तो वाणी में नहीं आना होगा या शरीरी होने का मतलब ये है कि शरीर ही नहीं दिखाई पड़ेगा?
हैं? वाणी से परे होने का मतलब वाणी सुनाई नहीं दे, और अशरीरी होने का मतलब क्या ये है कि शरीर ही दिखाई न दे। हाँ जी, और वाणी में आने की इच्छा ही नहीं होती है। जब वाणी से परे हो जाए कोई, तो वाणी भी एक सेकंड के लिए आया वाणी में और फिर गया। जैसे अभी घड़ी घड़ी अभ्यास है, वाणी में आ जाते हैं, देहबान में आ जाते हैं, फिर ऐसा अभ्यास पक्का हो जाएगा कि वाणी में आने की दिल ही नहीं होगी, एक समस्या हो जाएगी कि हम बाप को भूलें कैसे, आत्मा को भूलें कैसे। अभी समस्या है तो देवान को भूले कैसे, क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। तो उस समय बच्चे भी जब तक जीना है तब तक पीना है, वो कैसी बात है? बच्चे नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार माला के दाने प्रत्यक्ष होते जाएंगे। माता जी बोल पूछ रही है, सांप को काटने से पाप लगता है क्या? सांप को काटने से पाप लगता है क्या? सांप हमको काटता है कि हम सांप को काटेंगे? नहीं, कई बार दरों में जमीन में आता है ना, काटने से, सांप को मारने से, मारने से पाप लगता है। ज्यादा फायदे के लिए अगर थोड़ा नुकसान हो जाए तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? है? मलेरिया बुखार फैल रहा है मोहल्ले में, और हमने मोहल्ले में छिड़कने के लिए अच्छी खासी दवाइयां मंगा करके पैसा खर्च कर दिया और मच्छरों को मरवाई दिया, मलेरिया का बुखार से मुकाबला करने के लिए मलेरिया की टेबलेट्स मंगवा के बांट दी, तो नुकसान तो कुछ हो ही गया, खर्चा हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं? लेकिन जो मलेरिया बुखार फैलने से नुकसान होगा, उस नुकसान के मुकाबले नुकसान कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो हमारा पाप ज्यादा बना या पुण्य ज्यादा बना? पुण्य ज्यादा बन गया। ऐसे ही जो हिंसक जीव जंतु है वो हमारा नुकसान जास्ती कर रहे हैं। मनुष्य ज्यादा वैल्यूबल है या जीव जंतु ज्यादा वैल्यूबल है? मनुष्य की वैल्यू ज्यादा है। मनुष्य भगवान की बात सुन सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, मन को कंट्रोल करके मनुष्य वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। जानवर कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। भगवान आता है तो मनुष्यों को पहले सुधारता है, मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? मनुष्यों को सुनाता है। तो मनुष्यों के द्वारा सारी सृष्टि का कल्याण होता है, तो मनुष्यों की पहले बचाव करना चाहिए या जानवरों का बचाव देखना चाहिए? पहले मनुष्यों का बचाव देखना है। वाटा और घाटा तो देखना पड़ता है,
फायदा ज्यादा किस में है और नुकसान ज्यादा किस में है। सांप को नहीं मारेंगे और सांप ने दो चार परिवार के सदस्यों को काट लिया तो क्या होगा? हमने सांप को छोड़ दिया, नहीं मारा और उन्हें परिवार के सदस्यों को काट लिया तो पाप ज्यादा बन गया या पुण्य ज्यादा बन गया? पाप बन जाएगा। और जिस गांव में रामालय नहीं, राम का मंदिर नहीं, उस गांव में रामा नहीं बोलते। जिस गांव में राम की मंदिर नहीं, उस गांव में रुकना भी नहीं। दक्षिण भारत में कहते हैं तो ठीक कहते हैं। जब बाप आते हैं तो राम वाली आत्मा के द्वारा घट घट रमते राम रमैया, रमण करते हैं। तो जिन जिन आत्माओं के बीच में रमण करते हैं, दुनिया की जनसंख्या के मुकाबले वो आत्माओं की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? है? बहुत कम होती है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई होते हैं। तो जिनके बीच रमण करते हैं उनको गुह्यते गुह्य राजों का पता लग जाता है और दूसरों को पता नहीं लगता। फिर जब भंभोर को आग लगती है और संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है तो जिनके अंदर ज्ञान है उनकी सेफ्टी हो जाती है और जिस हुजूम के अंदर ज्ञान नहीं होता है उनकी सेफ्टी नहीं हो पाती है। इसलिए ये कहावत खास दक्षिण भारत में बनी हुई है। क्योंकि उत्तर भारत वाले तो भगवान की भाषा में बहुत उस्ताद हैं। वो तो लास्ट में भी आवेंगे तो तीखे चले जावेंगे और चारों तरफ ज्ञान की चक चक कर देते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में भाषा का ज्ञान न होने के कारण कोई कोई गांव में ही गीता पाठशालाएं बनी हुई हैं, जिनको उनका फायदा मिलता है। इसलिए ये कहावत आज भी चली आ रही है खास दक्षिण भारत में कि जहां राम का मंदिर नहीं है माना गीता पाठशाला नहीं है। सारी बातें हैं कहाँ की, किम बदंती हैं, संगम युक्ति है। है जो शिव है वो ही राम है या शिव अलग है राम अलग है? है जो शिव है व्यक्तित्व पर्सनालिटी, जो राम की पर्सनालिटी है वो ही शिव की पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटीज है? एक ही तो पर्सनालिटी है। हाँ? आज की दुनिया में कैसे हो सकता है? हाँ? कैसे हो सकता है? नष्ट मोह आय स्मृति लब्धा बनने से क्या नहीं हो सकता? सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ पाता है? यहाँ भी जो आमादा हो जाएगा कि हमें तो कोई भी तरीके से पुरुषार्थ करना ही करना है, वो तो करके छोड़ेगा।
बंधन में कौन बंधता है? निर्बंधन पक्षी ऊपर उड़ता है और बंधन में बंधा रहने वाला नीचे ही बंधा रहेगा। पुरुषार्थ करके अपने बंधनों को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करनी है। अपना टीचर है तो टीचर भी बुला सकते, पिताजी नहीं बुला सकते। हमारा बाबा ही टीचर है। जब हमारा बाबा ही टीचर है तो हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि ये घर का घर भी है और स्कूल का स्कूल भी है। पहले हमारा बाबा है या पहले टीचर है? पहले हमारा बाबा है, बाबा ही हमारा टीचर है। और कितना दिन धीरज रहे ना, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो धैर्य खो देते हैं, और जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया उनका धैर्य स्थायी हो जाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो जाता है? कि हमको भगवान मिला है, जिधर भगवान है उधर जीत हुई पड़ी है, उसे जीत को कोई रोक नहीं सकता। जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनका धीर्य घड़ी घड़ी टूटता रहता है, घड़ी घड़ी घर याद आवेगा भागो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। जो जगन्नाथ बनना वाला होता है पर्सनालिटी, उसमें प्रवेश कौन करता है? तो प्रवेश करने वाला वो भगवान है या जिसने प्रवेश किया वो भगवान है? हाँ, प्रवेश करने वाला भगवान गॉड फादर है या जिसने प्रवेश किया है वो भगवान गॉड फादर है? प्रवेश करने वाली आत्मा भगवान है और उसका जो शरीर है वो जगन्नाथ का मंदिर है और वो खुद ही पुजारी है। जो पुजारी है उसका नाम संगम युग में क्या पड़ता है? नहीं, तीन मूर्तियां हैं, शंकर नाम पड़ता है। तो शंकर क्या करता है? हैं? जो तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या करा के आते हैं? दो ही बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ बहुत भीड़ लगती है, एक तिरुपति का मंदिर और दूसरा जगन्नाथ का मंदिर। तो जो शंकर है वो सब का माथा मोड़ लेता है, बड़े से बड़ा हज्जाम है। वो जितनी पूजा करता है निराकार की, भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद, वो जितनी पूजा या याद करता है, जितना बड़ा पुजारी होता है
उतना पुजारी और बड़ा कोई होता ही नहीं। हाँ जी, तो कन्या सात कुल का उद्धार करती है कि 21 कुल का उद्धार करती है? 21 कुल का उद्धार। सात कहाँ से निकाल लिए? कहाँ से कहाँ ट्रांसफर? हाँ जी, हाँ कोई कन्या होगी जिस कन्या ने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी 21 जन्मों का उद्धार हुआ होगा, वो कौन सी कन्या है? अरे तेरा नाम बाला है भाई, है सतयुग में या संगम युग में? क्या संगम युग से ही 21वां जन्म शुरू होता है या सतयुग से शुरू होता है? संगम युग है पहला जन्म, सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, टोटल 21 जन्म। वैष्णवी के कुल में, विष्णु देवी के कुल में कहो, लक्ष्मी के कुल में कहो, 21 पीढ़ियों तक जो भी जन्म लेंगे वो राजा रानी बनते रहेंगे। तो 21 कुल का उद्धार हो गया क्योंकि वो कन्याकुमारी का पार्ट बजाती है। क्या मन से भी किसी और की नहीं बनती और तन की कर्मेंद्रियों से भी किसी और की नहीं बनती, और जो भी धन तो इतना कन्याओं के पास होता नहीं है, फिर भी ईश्वरीय सेवा करके जो भी धन की बचत करती है वो सारी बचत ईश्वरीय सेवा में लगती है। इसलिए कुंवारी कन्या का गायन है। अगर कुंवारी है तो कुंवारी कन्या 21 कुल का उद्धार कर सकती है। कुमारी तुम्हें कहीं खोट आ जाती है, जितना जितना ज्ञान में आने के बाद खोट आती जाती है उतना उतना प्राप्ति कम होती जाती है। और दो हजार छह से 2018 मूर्ति को ज्ञान जन्म में डुबाते थे 12 साल है, जगन्नाथ मूर्ति को ज्ञान जन्म में डुबाते थे आठ और 4 12 साल हुए। दो हजार छह के बाद क्यों लगाया? 2007-08 होना चाहिए जब वैष्णवी देवी प्रत्यक्ष होती है, तो नदियां मिल जाती है, नहीं तो जो भी नदियां हैं बल उनके पार्ट पहले से प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि ये यमुना है, ये गंगा का पात्र है, ये सरस्वती है।
जगदम्बा, ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्री सदैव ऊंची स्टेज में बहने वाली। परंतु जब तक सब नदियां एक नदी में मिक्स नहीं होती है, माना वैसे भी वे सब मिलती नहीं है, तब तक सब जाकर के सागर में मिलती नहीं है। सागर से मेल नहीं हो सकता, सागर से विपरीत चली जाती है। इसलिए पार्ट प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी संपन्न स्टेज को नहीं पाती। तो निमित्त कौन बना? ब्रह्मपुत्रा निमित्त बनती है। सागर का सब नदियों से मेल हो जाता है और वो सागर के जो विपरीत आचरण करने वाली थी, जो नदियां नाला बन जाती है, वो नाला भी कन्वर्ट होकर के क्या बन जाते हैं? पतित पावनी नदियां कही जाती है। तब तक पतितों को पावन नहीं कर सकती, पतितों को पावन बनाने का ईश्वरीय सेवा भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान के सिखाए हुए आचरण के विपरीत चलती है, विरोधाभास हो जाता है। इसलिए अपने पार्टी के ऊपर भी उनको पक्का निश्चय नहीं हो पाता। इशारे तो भगवान ही देता है, तुम्हारा ये पार्ट है। फिर जिससे इशारा मिलता है उसी की अगर ग्लानिंग करने लग पड़े तो कौन सा पार्ट हुआ है? जिससे वरदान मिलता हो, जिससे प्राप्ति होती हो और उसी के विपरीत आचरण करने लग पड़े, वाणी चलाने लग पड़े, कर्म करने लग पड़े, तो उनका पार्ट क्या हो जाता है? भस्मासुर का पार्ट हो जाता है। और गुप्त सबके लिए हो जाएगा या बच्चों के लिए भी हो जाएगा? अट्ठानवे तक एडवांस पार्टी वालों के सामने प्रत्यक्ष था, सभी के सामने प्रत्यक्ष था या कोई के सामने प्रत्यक्ष था, कोई के सामने नहीं है? सभी के सामने प्रत्यक्ष था। अट्ठानवे के बाद द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है, और द्वापर युग की शूटिंग पूरी होने से तामसी स्टेज शुरू हो जाती है। तो सबकी आंखों से ओझल होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी सूर्यवंशी आत्माएं बचती हैं जो निश्चय बुद्धि विजेते की लिस्ट में आती है। तो ऐसे नहीं कि सबके सामने से एकदम ओझल हो जाएगा, नहीं। दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए, अभ्यक्तवाणी में बोला 2000 में, क्या बाप दादा दुनिया वालों की आंखों के सामने गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए।
न बीके वालों को पता है बाप दादा कहाँ है जो प्रैक्टिकल पार्ट जारी है, न दुनिया वालों को पता है, न एडवांस में जो विरोधी हो गए उनको पता है, बाकी बच्चों को पता है। और उनमें भी अच्छे अच्छे आत्माओं को आप सुना लेंगे ना, कैसे हो सकता है? कोई भी धर्म हो, हर धर्म में पहले सात्विक स्टेज होती है, उस सात्विक स्टेज में फाउंडेशन जमाने वाली आत्माओं का पार्ट होता है, और हर धर्म में तामसी स्टेज भी बनती है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो कोई भी धर्म हो, मुसलमान हो, इस्लामी हो, नास्तिक हो, हरि समाज हो, शुरुआत में जिन आत्माओं के द्वारा फाउंडेशन लगता है, जो आदि वाली आत्माएं होती हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, कोई भी धर्म का हो, तो वो आदि वाली आत्माएं हर धर्म के तामसी स्टेज में हुजूम के अंदर खो जाती हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है सिवाय भगवान के। तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान बाप जब आते हैं तो उन आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं को इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, उनको ब्राह्मण बनाते हैं शुद्ध से, और ब्राह्मण बनाए फिर ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। आदि वाली चार आत्माएं और अंत में जरूर आएंगे, जो आदि में सो अंत में होता नहीं है। आदि में जो बीज बोया जाता है, फसल बोने का मौसम शुरू हुआ और जिन किसानों ने शुरुआत में ही बीज बो दिया उनको फसल ज्यादा मिलती है, या जो मौसम बीत जाता है फिर बोते हैं बीज को, उनको फसल ज्यादा मिलती है, आदि वालों को ज्यादा फसल मिल जाती है। इसलिए एडवांस पार्टी की आदि में या सेवा के फील्ड के आदि में दिल्ली की माताओं ने जो सहयोग दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण समय में सहयोग दिया है, चाहे दिल्ली की माताएं हो, चाहे कुमार हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी उस समय बीज बोया, थोड़ा भी बीज बोया है वो बहुत महत्वपूर्ण समय में बोया है, वो अंत तक बाप का सहयोग लेने के अधिकारी बने रहेंगे, चाहे कितने भी तमो प्रधान हो जाए। आने के पहले आ जाए। अब क्या होता है तो ड्रामा में देखेंगे। कोई भी हो जिसको अभिमान होता है, क्या अपनी जानकारी का, कि ये जानकारी और किसी को नहीं है, मेरे को जानकारी है, भले अधूरी जानकारी है, अभिमन्यु को ये अभिमान था।
कि अर्जुन के पास मेरे बाप के पास जो ज्ञान है चक्रव्यूह वेदन करने का, वो ज्ञान सिवाय मेरे और कोई पांडव के पास नहीं है। और हिम्मत करके आगे बढ़ गया, बड़ों की भी बात नहीं मानी, बाप की भी परवाह नहीं की कि वापस आ जाए, आज्ञा ले लो। ऐसों को कहा जाता है अभिमन्यु। माया कभी पानी नहीं तो मतलब है माया जी। तो कभी भी पानी नहीं किसी ने जान के पानी है तो मर्द कैसे जब पीती है तो सरेंडर हो जाती है। अरे जब पिएगी तो सरेंडर होगी, नहीं पिएगी तो सरेंडर नहीं होगी। रामायण में भी आया है जो पत्थर बुद्धि अहिल्या थी वो श्रीमत की बरखिलाफी करके पत्थर बुद्धि बन गई। फिर भगवान जब सन्मुख आ गए तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघन आशय तब ही। कोई ऐसा जन्म का पुण्य खुल गया कि सन्मुख आने से जो ज्ञान अज्ञान की गांठ थी वो गांठ ही खुल गई और अपने को सरेंडर कर दिया। और और पवित्र का आधार में नवयुग का निर्माण है। सत्य का और पवित्र का आधार में नवयुग का निर्माण है। सत्यता के आधार से और पवित्रता के आधार से सच भी नई दुनिया बनती है। ठीक है, सत्य कौन है? सत्य है एक बाप, बाकी सब झूठ। और एवर प्योर कौन है? हैं? एक बाप। वो एक बाप जब आकर के आधार बनता है, बीज बनता है राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा, तो सतयुग की स्थापना हो जाती है, नहीं तो नहीं हो सकती। एवर प्योर कौन कहा जाता है? हैं? ब्रह्मा बाबा, शिव बाप जो एवर प्योर आत्मा है वो इस सृष्टि पर आती है एवर इम्प्योर में, और इसकी कर्म इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करती है, रथ की लगाम अपने हाथ में लेती है, फिर कैसा पार्ट बजाती है? एवर प्योर का पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकल में सन्यासी और राजाएं इस दुनिया के अपनी घरवालियों को और रानियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए और सन्यासियों की बात मान ली कि हाँ नारी नरक का द्वार है, तर्पिणी है, छोड़ के भागो। और भगवान क्या करता है? साकार सृष्टि में आकर के साकार पार्ट बजाता है तो छोड़ के भागता है या उनके बीच में रहता है? छोड़ के नहीं भागता, अंत तक साथ निभाता है और पवित्र बना के ले जाता है। और बाबा,
राम का रूप बहुत सुंदर रूप है, वो सुंदर रूप को आकर देखिए पीछे बैठे। तो राम ने बोला कृष्ण अवतार में 14,000 गोप का बनेंगे। तो वो बात यहाँ पर राम है कौन? वास्तव में राम कौन है? और कृष्ण ने जो आकर्षण का पार्ट बजाया वो वास्तव में आकर्षण वाली आत्मा कौन है? राम ने जो घटघट में रमण करने का पार्ट बजाया वो राम वाली आत्मा कौन है? अगर ये बात समझ में आ जाती है तो प्रश्न खलास। कौन है? अरे हैं? साकार निराकार दोनों? घट घट में रमण करने वाली आत्मा शिव है या 84 जन के चक्कर में आने वाला राम है? हाँ, राम में प्रवेश करता है लेकिन आत्मा कौन सी है? शिव की आत्मा है। कृष्ण के चोले में प्रवेश करके आकर्षण करने वाली आत्मा शिव है या कृष्ण है? शिव है। राम कृष्ण में अगर आकर्षण होता तो 63 जन्मों में भी आकर्षण कर लिया होता, घट घट में रमण कर लिया होता। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि की, सब उसके लव में लीन हो जाती, लेकिन नहीं हुई। द्वापर के आदि से लेकर के विरोधाभास होता रहा, लड़ाइयां होती रही, बड़ी बड़ी खून खराबे होते रहे, लेकिन राम वाली आत्मा के सहयोग में विधर्मी कभी नहीं आए। और ये विरोध बढ़ता रहा या घटता रहा? बढ़ता रहा। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? सुप्रीम सोल ही निमित्त बनता है, वो ही सत्य है, वो ही एवर प्योर है। घट माना दिल में, बुद्धि रूपी गड़े में। घट माने गड़ा। जब आखिरी विनाश होगा तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके बुद्धि रूपी घड़े में कौन रमण कर रहा होगा? वो कौन सा राम है? 84 जन्म के चक्कर में आने वाला या 84 के चक्कर में जो नहीं आता है वो? दोनों मिलके अगर एक हो जाएं तो 500 करोड़ वाली जो विधर्मी आत्माएं हैं पक्की अपने धर्म की वो उसको मानती है। एडम के रूप में मानते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या कहते हैं उसको? वो खुदा नहीं मानते हैं। इसलिए उनके शास्त्रों में जितनी फरिश्तों का गायन है, आज फरिश्तों का जितना गायन है उतना आदम का गायन नहीं है। आदम को वो उतना महत्व नहीं देते। खुदा से अलग नहीं कहते हैं। वो हिंदू लोग कहते हैं, दूसरा फिक्र। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। हिंदुओं को पता चलता है कि वो नूर जो है वो इतनी याद में रहता है आदम कि वो खुद क्या बन जाता है? शिव शंकर एक हो जाता है। ये विधर्मी आत्माओं को इस बात का पता नहीं चलता। अगर पता चलता होता तो साकार को मानते या नहीं मानते? मानते। लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं साकार को नहीं मानती है। शिवराम कृष्ण की शंकर होता है? शिवराम कृष्ण की शंकर है? हाँ, वो तो शंकर माना मिक्स।
नंदीगण का नाम हमें नंदीगण का नंदिनी गाय। हाँ हाँ जी, जो आनंद देने वाली है सो नंदिनी है। नंदिनी माना आनंद देने वाली जी। और जो विष्णु का पात्र है उसमें लेफ्टिस्ट भुजाएं भी है और राइटिस्ट भुजाएं भी है। ऊपर वाली भुजाएं भी है और नीचे वाली भुजाएं भी है, लेकिन जो अष्टदेव है वो ऊंचे के ऊंची लिस्ट में है या नीचों की लिस्ट में है, इसलिए नहीं रखा जा सकता। जो त्रिमूर्ति है उस त्रिमूर्ति में जो आत्माएं कार्य कर रही है उनका कॉम्बिनेशन विष्णु है, उसमें हर प्रकार की आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे अव्वल नंबर तबके की आत्माएं भी हैं, शंकर पार्वती जैसी भी, और बीच के तबके जैसी आत्माएं भी हैं और नीचे तबके की आत्माएं भी हैं, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, तीन तबके हैं। एक का है परम धाम के बिल्कुल नजदीक निराकारी स्टेज वाला, उसके मुकाबले तीसरा तबका है परम धाम की स्टेज से दूर है लेकिन साकारी दुनिया के बहुत नजदीक है। ऐसे जैसे साकारी बहन छूटता ही नहीं। अब तीसरा तबका है न्यूट्रल, न ज्यादा ऊंचा और न ज्यादा नीचा, उसको कहते हैं विष्णु। तो वो तो तीन प्रकार की कुर्सियां हैं, लेकिन जो अष्टदेव हैं वो ऊंचे से ऊंचे तबके वाले सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? सूर्यवंशी हैं। हैं लेफ्टिस्ट कहाँ गिरा है? ओ नहीं लेफ्टिस्ट में लिखा है ना, हैं विजयम है, हाँ लेफ्टिस्ट गिरा ना, लेकिन ऊपर वाला हाथ है या नीचे वाला? जो भी होने दो, हैं जो भी होने दो, जो भी होने दो। कैसे? जब शक्तियाँ हैं तो शक्तियाँ संघार कारिणी का पार्ट बजाएंगी या भगवान बजाएगा? उनको तो संघार कारिणी का पार्ट बजाना है, है? और युद्ध होता किसके आधार पर है? युद्ध के निमित्त कौन बनते हैं? महाभारत युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, देवासुर संग्राम हो, कारण कौन बना? तो जो कारण बनेगा उसको निवारण भी तो करना पड़े, फालतू की मेहनत हो गई ना। और हाँ जी, हाँ जो विष्णु में चक्र दिखाया है, मनन चिंतन मंथन करने वाला हाथ, वो शुरुआत का है या अंतिम समय का है? तो शुरुआत में जो मंथन होता है उसको मक्खन कहें
हाँ, जैसा ब्रह्मा देवता था वैसे उसकी शक्ति थी, बेसिक नॉलेज थी, तो बेसिक नॉलेज के बतौर बच्चों जैसा मंथन था। उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते, चक्कर घुमाया तो क्या घुमाया, सत्य उत्तरेता द्वापर कलयुग संगम युग, सत्य उत्तरेता द्वापर कलयुग संगम युग, इससे ज्यादा और कुछ निकला? हाँ, तो उतना ही प्राप्ति होगी ना, वो प्राप्ति ऐसी थोड़ा ही हो जाएगी कि भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति कर ले। भगवान का जो डायरेक्ट पार्ट है उससे प्राप्ति ज्यादा होगी, या जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनसे ज्यादा प्राप्ति होगी? आर्य समाजी उठिया दयानंद सरस्वती को अंतिम जन्म में एक अपने सर्वेंट की मिला है, आपसे ऐसा क्यों हुआ? जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। आर्य समाजियों का आधार कौन है? है? आर्य समाजियों का जो आधार बनता है वो कौन से नंबर का नारायण बनता है? आठवें नंबर का नारायण। उस आठवें नंबर के नारायण ने जो भी ब्रह्मा के मुख से बोला गया उसको समाज के सामने ज्यों का त्यों पेश किया या उसमें विष मिला दिया? है, विष मिला दिया अपनी मनमत का। बाबा कहते वो सब शास्त्र बेंड हो जानी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं दयानंद को उनके शिष्य ने ही क्या किया, विष पिलाई दिया। और बाबा इस मंदिर में बोला जो भी पांच पिछले हो रहे उन लोग बाबा से दूर हो जा रहे हैं, जो भी पांच पिछले हो रहे उन लोग बाबा से दूर हो जा रहे हैं। हाँ, जो भी पात्र डिक्लेयर होते जाते हैं, बाबा जिन पार्ट धारियों को इशारा देते जाते कि तुम्हारा ये पार्ट है, ये गंगा का पार्ट है, ये यमुना का पार्ट है, ये सरस्वती का पार्ट है, ये भरत का पार्ट है, ये शत्रुघ्न का पार्ट है, वो सारे के सारे क्या होते जाते? बताया ना, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। न पहचानने का कारण क्या होता है जो आज मुरली में बताया है खास? देवान भगवान को नहीं पूरा पहचानने देता है। डिक्लेयर कैसे होगा? असुर पहले डिक्लेयर होते हैं या देवताएं पहले डिक्लेयर होते हैं? पहले जन्म किसका होता है? असुरों का पहले जन्म होता है। माताएं भी तो दो प्रकार की हैं। एक से मातेले बच्चे पैदा होते हैं, अदिति अद्वैत मत वाले, और एक से दिति द्वैत मत वाले बच्चे पैदा होते हैं। गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो द्वैत फैलाने वाले हैं या अद्वैत फैलाने वाले हैं? वो भी द्वैत फैलाने वाले। और परंधाम में
आत्मा परमात्मा सृष्टि में आया, परम धाम से आया, परम धाम से आया, कैसे कर्मेंद्रिय नहीं मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे गर्भ में जाकर के विलायत में जन्म ले लेती है, तो उनको कर्मेंद्रिया तो है नहीं, कैसे दौड़ के जाती है, है? मेरा तरफ से कर्मेंद्रिय नहीं है, कैसे माने कर्मेंद्रियों से ही दौड़ होती है क्या? अगर कर्मेंद्रिया ना हो तो दौड़ नहीं हो सकती है, है? है? रात में आप सो जाते हैं तो कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं, है? चारों तरफ दुनिया में दौड़ लगाते हैं ना, सपने में दौड़ लगाते हैं ना, तो कर्मेंद्रियां चारपाई के ऊपर ही रहती हैं, साथ साथ दौड़ती हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वयं चैतन्य है, क्या कर्मेंद्रियां तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, तो चैतन्य हलन चलन करेगा या जड़ हलन चलन करेगा? चैतन्य हलन चलन करता है। हाँ, चैतन्य आत्मा का लगाव अगर कर्मेंद्रियों में है, जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर तो छोड़ा लेकिन कर्मेंद्रियों में क्या रह गया, लगाव रह गया। जैसे मुरली में बोला गुलजार दादी बच्ची थी, बाबा उसको बार बार अपने पास बुलाते थे, वो भाग जाती थी, बाबा के पास कभी नहीं आती थी, अंत समय तक यही चलता रहा। तो बाबा ने शरीर छोड़ा तो रिजल्ट क्या होगा, अंत मते सोगते हो गई, किसके शरीर का आधार लिया, वो उसका घोड़ा बन गया। अभी की बात है कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल का नाम पहले दिया गया है। पहले पहला नंबर है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जो जितना पुरानी चीज होती है उतना ओल्ड इज गोल्ड होता है। ताजमहल जो है वो तो शाहजहां का जीर्णोद्धार कराई हुई चीज है। ताजमहल का असली निर्माण जो है उस बिल्डिंग का उससे पहले होने वाले किसी राजा ने किया था 100-200 साल पहले, लेकिन जो विदेशों में झूमती हुई मीनारें हैं, चीन की दीवार है, ये पुरानी है या ताजमहल पुराना है? तो जो चीज ज्यादा पुरानी है उतनी ज्यादा पावरफुल है, गोल्ड है। ताजमहल को हिंदुस्तान के लोग पहले नंबर पर रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सब लोग ताजमहल को पहले नंबर पर रखते होंगे, है? सात वंडर्स हैं मनुष्यों के बनाए हुए, क्या जो 7 वंडर्स हैं दुनिया के वो मानवीय कृत हैं या भगवान ने बनाए? मनुष्य कृत हैं, लेकिन भगवान जो वंडर बनाता है वो इन सब वंडर्स को क्रॉस कर जाता है, उसको सारी दुनिया देखने के लिए लालायित रहती है, सुनने के लिए लालायित रहती है, उसका बखान करने के लिए, बोलचाल करने के लिए, एक दूसरे को बोलने बताने के लिए लालायित रहती है, जिसको कहते हैं बहिष्ट मुसलमान लोग, अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग कहते हैं बैकुंठ, नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाता है,
दिल खुश हो जाता है। और भगवद्गीता में लिखा है ना ही तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जो कर्म फल को त्याग करते वाले हैं उनसे भी ज्यादा प्रिय है। ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है। कर्म किया और जो हमने कर्म किया, मान लो ईश्वरीय सेवा ही की और उसका फल हम इसी जीवन में चाहते हैं। इस करोड़पति की हमने सेवा की, वो ज्ञान में निकल आया, अब वो हमारे लिए सेंटर बना दे, मिनी मधुबन बना दे, हम उसमें जाकर के इंचार्ज बने, तो कर्म फल यही लेने की इच्छा कर ली, गलत काम किया या अच्छा काम किया? गलत काम किया। कर्म फल को त्याग करना ये अच्छी बात है। इस जीवन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो पाना था तो पा लिया, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो बेसिक नॉलेज वाले प्रिय नहीं है। ये एडवांस नॉलेज में भी जो यहाँ धन्ना सेठ बन करके आगे चल के बैठ जाएंगे, ऊंची ऊंची गद्दियां जमा के बैठ जाएंगे, किंतु बेसिक वालों से एडवांस वाले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? वो तो उनके भी बाप हैं। लेकिन इसी जीवन में पुरुषार्थ करना और इसी जीवन में मान मर्तबा ले लेना, ये ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है क्या? हाँ हाँ, उसका अंतिम जो अंजाम होगा वो होगा डूबी जा डूबी जा, सब मान मर्तबा मिट्टी में मिल जाएगा। उस हिसाब से नंबर वार सब फेल हो जाते हैं। छुपा रुस्तम बाद में खुले, इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कर्म फल को भोगने वाला प्रिय नहीं है। और है कोई हाँ जी राम जयंती कृष्ण जयंती मनाते हैं, ये संगम युग की यादगारें हैं। राम जयंती मनाते हैं दो पैर को, कृष्ण जयंती मनाते हैं रात्रि के 12 बजे, और शिव जयंती भी मनाते हैं रात्रि के 12 बजे। बाप के साथ बच्चे की जयंती मनाई दी है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, किसके साथ प्रत्यक्ष होता है? बच्चे के लिए बाप रुका हुआ है। तो कहाँ की बात हो गई? संगम युग की बात हो गई।